heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केट मिडिलटन के ऊपर बात करेंगे. अच्छा ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सामान चल रहा है. मुझे अभी हाल में ही किसी ने पूछा कि क्या पूछा ये कि केट के साथ क्या हुआ है, केट कहाँ पर है. तो मैंने उनको बताया था कि उसको प्रिपेयर किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, क्या क्या किस वजह से. ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर बात करना और आप लोगों को बताना बेहतर होगा अभी, क्योंकि जब ये इनके जो सुसर साहब थे इनकी एक न्यूज़ आई थी निकल कर फैब के अंदर, मेरे ख्याल से फैब के शुरू में शायद बड़ी फैब किस्म की न्यूज़ थी. वो ये थी कि इनको एक तरीके का कैंसर हो चुका है. उस वक्त भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि केट भी गायब है. केट उस वक्त लोगों को इतना शक नहीं हो रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि केट भी बीमार है, उसकी भी एक पेट की जो सर्जरी है, केट के पेट की सर्जरी हो रही है, तो उसके ऊपर वो भी क्या क्या वजह हो सकती है. तब मैंने इस टॉपिक को इसलिए टच नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल टॉपिक्स को लोग यहाँ पर सुनते नहीं हैं, लेकिन अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा भी हो रही है. पूरी दुनिया केट को ढूंढ रही है कि केट कहाँ पर गायब हो गई है, केट किस गेट के पीछे, किसी को भी नहीं पता. अब यहाँ पर हम उसी बारे में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट टाइम पर देखी जाती हैं केट मिडिलटन, वो देखी जाती हैं 26 दिसंबर 2023 को, यानी क्रिसमस के अगले दिन. ये जो डेट है अगर इसको आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लस करें तो ये 9 नंबर बनता है, ठीक है. उसके बाद ये इनकी जो पब्लिक अपेयरेंस थी लास्ट 26 दिसंबर को थी. उसके बाद ये न्यूज़ जो आती है निकल कर वो 17 जनवरी 2024 में निकल कर आती है. 17 जनवरी 2024 को भी अगर आप क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लस करें तो पूरा जो 17 और जनवरी का 1 और 2024 वो 17 ही बनता है. तो 17 का 7 और 1 को प्लस करें 8 बनता है. 8 हमारे पास ऑलरेडी हायर नंबर होता है जो इन्फिनिटी का होता है. जब बुढ़िया मरी थी तो मैंने बताया था कि 8 का क्या हमारे पास सिग्निफिकेंस है, ठीक है. ये इन्फिनिटी का मतलब है, ये वो नंबर है जो होस्ट बॉडीज़ को दिया जाता है. होस्ट बॉडीज़ उन्हीं लोगों को दी जाती हैं, अगर वो लोग मर जाएँ, अगर उनके पास वो 8 नंबर है तो उनको होस्ट बॉडी दी जाती है, ठीक है. तो ये 17 जनवरी यहाँ पर ये चीज़ हो गई. अब उसके बाद क्या हुआ कि ये मोहतरमा जो थी वो गायब थी, किसी को भी नहीं दिख रही थी, कुछ भी किसी को पता नहीं चल रहा था. आज से 7-8 दिन पहले एक तस्वीर निकल कर आती है जहाँ पर आप केट मिडिलटन को यहाँ पर कार के अंदर देखेंगे. केट मिडिलटन को क्यों देखेंगे, क्योंकि इतना समय हो गया, 26 दिसंबर को आखिरी बार दिखी, उसके बाद वो कभी कहीं पर भी नहीं दिखी. और जब ये एब्डोमिनल सर्जरी की बात आई थी यहाँ पर तो इन्होंने ये कह दिया था कि ईस्टर तक जो है केट मिडिलटन साहिबा जो है वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज से गायब रहेंगी, वो कोई अपेयरेंस नहीं देंगी. ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, ठीक है. लेकिन पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि हो क्या गया है. तो एक तस्वीर आई, एक गाड़ी की तस्वीर आई जहाँ पर ये केट मिडिलटन साहिबा जो है अब इस कार के अंदर बैठी भी होती हैं. यहाँ पर इनका मुंह सूजा हुआ है, इनकी नाक बदली हुई है, इनका चेहरा बदला हुआ है, इनका एकदम से अचानक से वेट गेन हुआ हुआ है. और बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर केट मिडिलटन का एकदम से बहुत ज़्यादा जो वेट है वो गेन हुआ हुआ है. हालाँकि ये चीज़ किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है कि एकदम एक इंसान का वेट जो है वो गेन हो गया, ठीक है. ऑपरेशन के बाद आपके मुँह पर थोड़ी सी सूजन रहती है, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन 17 जनवरी के अंदर होता है और उसके आप तकरीबन 40 दिन के बाद निकल कर एक अपेयरेंस देते हैं कार के अंदर, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपका मुंह अभी तक सूजा हुआ है. ठीक ही हो सकता है, बहुत सारी मेडिसिंस होती हैं जो आपके मुंह को ख़राब करके रखती हैं. लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात है, वो ये है कि यहाँ पर आप जो लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं ये सब केट मिडिलटन है, और जो राइट पर देख रहे हैं एक स्टीकर जिस पर ऑडी जो कार है उसका भी स्टीकर लगा हुआ है. बड़ी अजीब सी बात है कि रॉयल फैमिली, और ये अपनी माँ की हमरा थी, यानी अपने माँ के साथ थी यहाँ पर इस कार के अंदर. पहली तो बात है कि ये जो मोहतरमा है इस कार के अंदर, ये केट मिडिलटन है नहीं. कहा ये जा रहा है, न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये केट मिडिलटन है, ये केट मिडिलटन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये केट की शक्ल नहीं है. अगर आप इस तस्वीर को गौर से भी देखें तो केट की जो क्या कहते हैं, जो केट के क्या कहते हैं यहाँ पर तिल है, एक यहाँ चिन पे नीचे है और एक इधर इस साइड पर है, ठीक है ना. और ये वाली जो मोहतरमा है इनका कहीं पर भी कोई आपको मोल नहीं दिखेगा, मस्सा नहीं दिखेगा. तो वो पेट की सर्जरी करवाने गई थी, अपना मोल रिमूव नहीं करवाने गई थी. तो ये नाक भी चेंज है, शक्ल भी बहुत चेंज है. ये फिर कुछ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इनकी सिस्टर हो सकती हैं. ये इनकी सिस्टर भी नहीं है क्योंकि सिस्टर की शक्ल भी बहुत चेंज है, उस सिस्टर ने वेट गेन नहीं किया हुआ है, तो सिस्टर ये हो नहीं सकती हैं.
ठीक है। और ये बात इसी तरीके से न्यूज़ में दिखाई गई कि केट मिडिल्टन है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये न्यूज़ में ये बात यहाँ पर बिगड़ गई, ये बात भी नहीं संभली कि केट मिडिल्टन, लोगों को नहीं भरोसा हुआ कि ये केट मिडिल्टन है, तो अभी मदर्स डे पर, यानी मदर्स डे को भी छोड़ दीजिए, 10 मार्च को, दस कौन सा डे था, मदर्स डे था, वुमेन डे था, अल्लाह जाने जो भी था, मुझे डेज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। 10 मार्च को यहाँ पर ये एक ऑफिशियल जो तस्वीर है ये निकलती है, ऑफिशियल हैंडल से आती है ये, ठीक है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स की और प्रिंसेस ऑफ वेल्स की जो ऑफिशियल हैंडल है, यहाँ से ये तस्वीर आती है। अब इस तस्वीर को सबसे पहले जैसे ही लोगों ने देखा, तो लोगों ने देख कर ये कहना शुरू कर दिया कि ये तस्वीर फेक है और ये तस्वीर जो है वो टच्ड है, या तो ये मल्टीपल लेयर्ड इमेजेस हैं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत दफ़ा किसकी ऊपर बात करती हूँ, मैनिपुलेशन के ऊपर बात करती हूँ, और मैं बहुत सारी तस्वीरें भी जो हम इमेजेस भी डालते हैं लेयर्ड होती हैं, मैं बहुत सारी जगहों पर बात करती हूँ, ठीक है। इस तस्वीर के अंदर जो गड़बड़ है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर गड़बड़ है। अगर हम सबसे पहली गड़बड़ के ऊपर यहाँ पर बात करें, तो ये जिस तरीके से एडिट की गई है, इस बच्ची ने जो स्कर्ट पहना हुआ है वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है। फिर इस बच्ची का ये जो स्लीव है, इसका जो हाथ है वो स्लीव से इस तरफ निकला हुआ है, तो ये एडिटेड तस्वीर है। एक और चीज़ इसी तस्वीर के अंदर, ये ऑलरेडी बात यहाँ पर जो है मैं तस्वीर को बता ज़रूर रही हूँ, एक्सप्लेन ज़रूर कर रही हूँ, हालांकि यहाँ पर खुद जो प्रिंसेस हैं वेल्स की, जिनका असल में नाम केट है लेकिन कैथरीन उनका ऑफिशियल नाम है यहाँ पर, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दी है कि मैं एक इमेच्योर औरत थी और मैंने फोटोशॉप को यूज़ किया और मुझसे गलती हो गई, मैं एडिट करना चाह रही थी फलाना ढिमकाना। देखिए एडिट करने का मतलब होता है, जो इंस्टाग्राम पर लड़की लड़कियां सब अपनी तस्वीरों को एडिट करते हैं फ़िल्टर लगाकर हसीन देखने के लिए, लेकिन लेयर्ड इमेजेस और मैनिपुलेशन ये होती है कि जिस तस्वीर में कोई इंसान नहीं है आप उसको ऐड कर दें, या उसको उस तस्वीर में से रिमूव कर दें, या आगे पीछे का बैकग्राउंड पूरा चेंज कर दें, या कुछ भी फलाना फलाना ढिमकाना चेंज कर दें, ठीक है ना, पूरी चीज़ को चेंज कर देना, तो वो होता है मैन्यूपुलेट करना या लेयर्ड करना। तो यहाँ पर ये मोहतरमा जो है, एक्चुअली ये ट्वीट भी इनकी अपनी तरफ से नहीं है, इन्होंने अपना इनिशियल यहाँ पर साइन किया हुआ है सी का, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये ट्वीट इन्होंने की है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डैमेज कंट्रोल हो रहा है, ये इन्होंने नहीं की है। तो जब ये तस्वीर निकल कर भी आई, तो क्योंकि पूरी दुनिया ने इस तस्वीर के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी कि ये फेक है, तो जैसे दो चार चीज़ें तो मैंने बताई दी हैं यहाँ पर, एक और चीज़ भी यहाँ पर, 26 दिसंबर को जब ये बच्ची दिखी थी क्रिसमस के ऊपर, तो इसकी जो बालों की लेंथ थी वो यहाँ तक थी, एकदम से इतने दिनों में, 75 दिनों में बच्ची के बाल इतने बड़े नहीं हो सकते हैं। वैसे भी यूरोपियन जो लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनके बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत हल्की होती है, ठीक है, तो अनिल कपूर तो है नहीं कि एकदम से उसके बाल लंबे हो गए। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर एक और जो इनका छोटा बेटा है, इसकी यहाँ पर जो हाथ ट्विस्ट हुआ है, उसको लोग कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से इसने फिंगर्स को ट्विस्ट किया हुआ है, ये इशू नहीं है, फिंगर्स को इस तरीके से कोई भी ट्विस्ट कर सकता है, इवन अगर आप भी ट्राई करें तो कर सकते हैं, मैं खुद भी इस तरीके से ये यहाँ पर आप लोगों को और क्लियरली दिखा देती हूँ, क्लियरली बहुत आसानी से ये जो जेस्चर है, ये जो भी साइन है, आप ये कर सकते हैं, ऐसा कोई इतना अनोखी चीज़ नहीं है। पर अनोखी चीज़ क्या है, क्या चीज़ है इस तस्वीर के अंदर अनोखी, अभी तक आप लोगों ने गैस भी नहीं की होगी। इस तस्वीर में 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब तीनों बच्चों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, यहाँ पर ये छोटे बच्चे का हाथ है, ठीक है, छोटे बच्चे ने अपनी तीसरी उंगली को यहाँ पर, यानी ये इंडेक्स होती है, मिडिल होती है, और ये रिंग फिंगर या जो भी आप इसको कहेंगे, यहाँ पर जो तीसरी उंगली होती है उसको टच किया हुआ है, ठीक है, ये छोटे वाले की है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये इनकी बेटी हैं वो स्कर्ट वाली, ठीक है, इनके भी यहाँ पर आप हाथ में देखेंगे एक चीज़, यहाँ पर जो इसका लेफ्ट वाला हाथ है उसकी जो रिंग फिंगर है उसने उसको टच किया हुआ है, एग्जैक्ट वही फिंगर, ठीक है, इंडेक्स मिडिल ये थर्ड फिंगर है, यानी पिंकी फिंगर के बाद वाली, ये बेटा है, ठीक है, इसने भी राइट हैंड को, बेटे राइट हैंड का, ये रहा राइट हैंड, ठीक है, इंडेक्स मिडिल और ये रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर इसलिए होती है कि कई सारे देशों में सीधे हाथ में वेडिंग रिंग भी पहनाई जाती है, अगर वेडिंग नहीं तो एंगेजमेंट रिंग अक्सर लोग सीधे हाथ में पहनते हैं, तो दोनों जो ये हाथों की फिंगर्स होती हैं उनको रिंग फिंगर ही कहा जाता है, तो इंडेक्स और मिडिल रिंग और फिर पिंकी फिंगर होती है ना, थंब अलग होता है, तीनों ने एक ही टाइप की जो है वो यहाँ पर एक ही टाइप की जो फिंगर है वो पकड़ी हुई है, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये जेस्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 नंबर हैं, 3 बच्चे हैं, 3 का मतलब क्या होता है, डेविल होता है,
तीन बच्चे हो गए, वो भी डेविल हो गया, तीन और तीन को प्लस करें तो वैसे भी वो छः बनता है। मज़े की बात क्या है कि ये तस्वीर जो है ये पोस्ट की गई है, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट का स्टैम्प 10 मार्च, ठीक है। 10 मार्च को अगर आप यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्लस माइनस भी करें तो वो तीन बनता है। तीन तीन और तीन, तीन तीन और तीन क्या बनता है, ठीक है, 9 बनता है। तो 9 क्या होता है, वो डेविल का नंबर होता है, 6 6 नंबर होता है। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है वो, अच्छा एक और बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये है, वो मज़े की चीज़ ये है कि 26 दिसंबर से जो उनकी लास्ट अपेयरेंस थी उस दिन से लेकर 10 मार्च के बीच में 75 दिन आते हैं। 75 दिन, 75 दिन को अगर आप प्लस करें, यानी 7 और 5 को प्लस करें 12 बनता है, और 12 को अगर आप प्लस करें तो 3 बनता है। तो तीन 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 तीन, ये जो सारे आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आ रही हैं ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो खैर ये चीज़ हो गई यहाँ पर इन मोहतरमा के गायब होने के, यानी ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब रीज़न क्या है, ये इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं उसकी इमेज इमेज को बाहर दिखाने के लिए या उसकी पब्लिक अपेयरेंस। अच्छा एक और चीज़ पब्लिक अपेयरेंस से याद आई, फिर जब ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये वाली तस्वीर 10 दिसंबर को, 10 मार्च को जब ये फेल होती है तस्वीर, तो 10 मार्च के बाद 12 मार्च को ये तस्वीर आती है। यहाँ कॉमनवेल्थ पे विलियम जो है वो जा रहे हैं और उनके पास कार में पीछे बैठी हुई है एक मोहतरमा, जिसको देखकर ये कहा जा रहा है और लोग ये मान रहे हैं कि ये केट है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, अगर आप इस मोहतरमा का मुंह देखें तो वो ऑलरेडी पतला हुआ हुआ है उस 7-8 दिन पहले वाली तस्वीर से जो यहाँ पर आपने देखी सूजे में मुंह की, ठीक है। इसकी साइड प्रोफाइल और उस साइड प्रोफाइल में बहुत अंतर है, ठीक है। लेकिन चलें वो भी छोड़ दीजिए, साइड प्रोफाइल होती रहती है, कभी फ़र्क हो जाता है फलाना ढिमकाना। एक चीज़ जो बहुत यहाँ पर फ़नी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पर पीछे जो ब्रिक्स हैं उनका कलर है, गाड़ी के अंदर से दूसरा है और पीछे जो है वो दूसरा है। तो ये कौन सा यहाँ पर गेम चल रहा है, और उनको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि लोग जो हैं वो एक एक स्मार्ट किस्म के लोग बैठे हुए हैं, तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ब्रिक का कलर जो है वो चेंज है, और लोग ये देखकर समझेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये 12 मार्च की यहाँ पर तस्वीर है, लिखा हुआ भी है 12 मार्च। तो ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अगर एक औरत अपनी सर्जरी करवाने गई है वो बीमार है तो ठीक है, ठीक है ना, जब वो आएगी वापस तो दिखा देना डाल देना, नहीं फिर ये कहा जा रहा है। और बड़ी मज़े की बात है, इस तस्वीर के अंदर ही यहाँ पर स्किनी जीन्स भी पहनकर बैठी हुई थी। अगर इंसान की एब्डोमिनल सर्जरी होती तो स्किनी जीन्स नहीं पहन सकता है, आप बहुत लूज़ कपड़े पहनते हैं। खैर ये बात तो ऑलरेडी हो गई, निकल कर आ गई कि ये फेक तस्वीर है, पर इसका ये भी मतलब है कि अगर ये फेक तस्वीर है वो एडिट कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये पुरानी तस्वीर है, उन्होंने ये कहा है कि मैं एडिट कर रही थी तो मुझसे एडिटिंग में कहीं गलती हो गई है। लेकिन ये इस बात को नहीं कह रही हैं कि ये तस्वीर जो है ये फेक है या ये पुरानी तस्वीर है, ठीक है। ये इस बात को ही मान रही हैं कि ये तस्वीर जो है वो रियल तस्वीर है। तो अगर ये तस्वीर रियल है तो इतने दिनों में इनका मुंह इतना इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ तक कितना पतला हो गया, ठीक है। आपके इस मुंह पे सूजन होती है, दवाइयों का रिएक्शन होता है, तो क्या इस तस्वीर में आप फिर दवा नहीं ले रही, आपने दवाइयाँ छोड़ दी, आपकी बॉडी एकदम सब चीज़ें चेंज लग रही हैं, और अगर आप सर्जरी करवा कर आई हैं तो आप स्किनी जीन्स पहनकर कैसे बैठी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर रियल तस्वीर का, यहाँ पर अगर आप इसके चेहरे का जो पोर्शन है ना, आप इसके बैठने का अंदाज़ और बच्चों के बीच में जो फ़र्क है ना, वो भी बहुत अजीब है, बहुत वियर्ड है। अगर आप जो केट है उसकी जो हाइट है और बड़े बेटे की हाइट के हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, तो ये जो यहाँ पर बेटे की चिन माँ के सर पर आ रही है, ये इस तरीके से पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फेक हो गई, ठीक है, बात ख़त्म। अब वजह क्या है ये चीज़ करने की, ये चीज़ दिखाने की, अगर केट बीमार है तो ठीक है बीमार है, वो सही होगी, वो दिख जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो तभी काम कर रहे हैं ना, तभी दिखा रहे हैं, तभी उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको साबित करना है कि केट जो है वो कहीं ना कहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केट इसका जिंदा नहीं है या केट को कुछ हो गया है, ये फलाना ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना। अब यहाँ पर असल में रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए, मैंने जब ये वीडियो की थी, मैंने इससे पहले भी जब चार्ल्स के ऊपर पहले वीडियो की थी 1 साल पहले, जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ था, सो कॉल्ड जो डेथ हुई थी बुढ़िया की, अब वो एक होस्ट बॉडी के अंदर है, मैंने तब भी बताया था कि इसकी जो इसका जो टाइम होगा किंग के तौर पर बहुत छोटा होगा, बहुत लिमिटेड होगा, इसको हटा दिया जाएगा। फिर इसको ये जो कैंसर हुआ, मैंने जब इस ये वीडियो भी की थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या ये क्या वजह है, ये क्यों हो रही है चीज़, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद जिसकी बारी आती है वो क्राउन प्रिंस की आती है, क्राउन प्रिंस जो विलियम है, विलियम की वजह से उनकी जो पत्नी है वो क्वीन बनेंगी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ऑलरेडी जो सिलसिला है ना, इससे पहले कि ये किंग हटे या इसको हटा दिया जाए,
जो आने वाले किंग और क्वीन है उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। बाप जो था पहले जब क्राउन प्रिंस था तो वो एक आंख वाले का ऑलरेडी मेंबर था, बाय डिफॉल्ट था, बेटा नहीं था। अब बेटा क्राउन प्रिंस बना तो बेटा जो है वो बाय डिफॉल्ट मेंबर बन गया, उसका जो भी सारा प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है हमारा एक आंख का वो हो गया। लेकिन अब पत्नी की बारी है, अब हम उसको लेकर गए, एक आंख वाले उसको लेकर गए। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रिपरेशन क्या होती है, खाली प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी दो चार यहाँ पर क्लोन्स जो हैं वो हम बना लेंगे और बात ख़त्म, नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली तो सबसे पहली बात यह है कि इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसको जाहिर सी बात है कि इस जगह का पता है, लेकिन इसने इस जगह को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा हुआ। उसने बहुत सारी जो ये एक आंख वाले ग्रुप की जो पार्टीज़ होती हैं उसने उस तरीके की पार्टीज़ अटेंड की होंगी, उसने दो चार रिचुअल्स देखे होंगे, पर क्या उसने प्रॉपर इस पूरी जगह जगह को सर्वे किया हुआ है, इस पूरी जगह का जो ए टू जेड उसके पास इंट्रोडक्शन है, नहीं। उसको पता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, नहीं। ए टू जेड जो पूरा कहते हैं ना, डिटेल डिटेल में एक एक चीज़ दिखाना बताना, वो यहाँ पर ये चीज़ होगी, ठीक है। ये चीज़ हुई, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब अगर आपको इतनी दूर वो लेकर आए हैं दीवार के उस पार, तो खाली आपको विंडो शॉपिंग के लिए तो नहीं लाए होंगे, है ना। यहाँ पर आप आए हैं, आपने पहली बार ये चीज़ें देखी हैं होते हुए, पहले तो आप सिर्फ एक पार्टीज़ का हिस्सा थे कि भाई पार्टीज़ में आ रहे हैं जा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, फलाना ढिमकाना। अब आप उस दुनिया में आए हैं, अब आप उस दुनिया को देख रहे हैं कि ये दुनिया बाप की नई दुनिया होने वाली है। जब आप किंग किंग और क्वीन बनेंगे तो आप इस जगह को कंट्रोल करेंगे। अब जब ये आएंगे तो यहाँ पर आकर इनको इससे पहले कि वो उनको सदमे लगें, धचके लगें, शौक हो, तो आपको पहले ही यहाँ पर एक दिखा दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पूरे सिलसिले के बाद जो है इनकी रीडिंग ली जाती है। रीडिंग का मतलब ये होता है कि इनका पूरा थॉट प्रोसेस को देखा जाता है कि इस पूरे सर्वे के बाद इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनके मन में क्या चीज़ें आ रही हैं, ये देवी बनने की कोशिश कर रही हैं या ये डायनी बनी रहेंगी, ये हमारे टाइप की रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इनके अंदर कोई क्या कहते हैं ये जो पूरा जग है उसकी खिदमत करने का तो नहीं वो जागेगा, जो क्या होता है एक कीड़ा कि लो भाई मैं सबका कुछ करूँ, ये हमारे टाइप की रहेगी, दबके रहेगी या हमारे चीज़ों को एक्सपोज करेगी, वो पूरी टाइप की रीडिंग्स होती हैं। फिर उसके अलावा सिर्फ ये रीडिंग्स नहीं होती हैं, उसके बाद एक और स्टेज आता है जहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये इंसान जो है, ये इंसान का जो क्लोन वगैरह तो बाद में बनते हैं, क्लोन से पहले आपकी जो अपनी असली सगी बॉडी होती है उसकी एक एक चीज़ की पूरी पूरी डिटेल ली जाती है। अगर आप लोग विनियर्स लगवाते हैं, अगर आप में किसी को भी पता है या आप में से कोई डेंटिस्ट है, तो विनियर्स से पहले एक प्रोसीजर होता है कि आप उनके ओरिजिनल दांतों का शेप लेते हैं, फिर आप उसके एग्जैक्ट उसके ऊपर विनियर्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो उस मुंह के अंदर फिट हो सके। तो उसी तरीके से हम हर जो हमारे पास लोग होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, फलाना हो, निमकान हो, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर उसका जो मोल्ड होता है वो तैयार करके रखते हैं। वो खाली क्ले का मोल्ड नहीं होता है, वो प्रॉपर जगे हुए ऑर्गन्स होते हैं या पूरी वो जगी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं कि अगर अगर कभी भी अचानक से एकदम से कोई चीज़ हो जाए ख़त्म तो हम उसको रिमूव करके फ़ौरन लगा दें, हमें उस वक्त क्रिएट करने में भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जैसे हम इवन जो हम लोग भी हैं ना, हम जैसे लोग हैं जो इनके वर्कर्स हैं, जो हम इनके पास काम करते हैं, इवन जो बड़े लेवल के प्रोडिजीज़ होते हैं, या अगर हम में से बहुत सारे लोगों को मार के यहाँ लाया भी जाता है, तो उससे पहले क्योंकि जब हम यहाँ पर साइन करते हैं ना, साइन करते हैं क्योंकि मरना हमारे ऊपर बहुत बाद में डिपेंड करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी दिन मरें उसी वक्त मरें, पहले ही टाइम पर आपकी सारी छोटी छोटी चीज़ें तैयार होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ कट गया तो आपका एग्जैक्ट उसी तरीके का हाथ आपको लग जाएगा और वो पता नहीं चलेगा कि आपकी अलग से तरीके से कोई चीज़ लगाई गई है, नेक है, गले हैं, इवन कि आपकी छोटी छोटी जो बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, जो आपकी एक पूरा वेब है अंदर, वो सब चीज़ें हम क्रिएट करके रखते हैं। बड़ा डेलिकेट सा प्रोसीजर होता है और उसको बहुत टाइम लगता है परफेक्ट करने में। तो इसी वजह से ये जो सारी रीडिंग्स या ये जो सारी मेजरमेंट्स होती हैं हमारे हमारे लेने वालों को टेलर कहा जाता है, यहाँ पर हकीकत में टेलर कहा जाता है। ये कपड़ों की फिटिंग नहीं होती है, आपके बॉडी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, एक एक जो यूनिक ऑर्गन, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपकी जबान का जो प्रिंट होता है, आपकी आँखें, आपकी ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आपका ये सारा प्रोसीजर चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आती है, वो आती है आपके अंदर आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक चिप को इम्प्लांट किया जाता है। वैसे भी किया जाता है, जैसे मुझे जो लोग जानते हैं सामने से, उन वो जैसे ही मुझे मिलते हैं और अगर मैं उनके साथ एक सिलसिला बनाती हूँ तो वो वैसे ही ऑलरेडी चिप्ट करवा दिए जाते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब वो चिप ये लोग वैसे भी हुए हुए होंगे,
दूसरे टाइप की अलग अलग लेवल की चिप्स लगेंगी, इनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। इसका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस जो है ना ए टू जेड, वो यहाँ के कंट्रोल में आ जाएगा। उसका माइंड क्या है क्या नहीं है, फलाना ढमकाना ढमकाना ढमकाना, ए टू जेड चीज़ें। फिर क्या होगा, क्योंकि ये 8 नंबर की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, यानी ये जो 17 जनवरी को यहाँ पर न्यूज़ आती है, यानी इसको 8 नंबर दे दिया जाएगा, डेफिनेटली इसको मिलेगा। तो इसको 8 बॉडी कह रही हूँ, सॉरी 8 बॉडी नहीं, 8 नंबर की वजह से इसको होस्ट बॉडी दी जाएगी, इसका होस्ट क्रिएट होगा। तो इसका जो होस्ट होगा ह्यूमन होस्ट बॉडी, तो हमारे पास वो ऑलरेडी इस वक्त होगा इंसान, या तो इस वक्त वो होगा या अभी नहीं होगा, तो उसको तो उस इंसान के साथ हम मैच करेंगे कि ये किस इंसान के साथ मैच हो सकती है आने वाले समय में, इसको अगर होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम इसकी बॉडी की रीडिंग लेंगे कि इसकी बॉडी अभी के हिसाब से कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है, कब तक इसकी बॉडी अपने इस फिज़िकल फॉर्म में सर्वाइव कर सकती है, कब तक की इसकी एक्सपायरी डेट आएगी इसकी इस बॉडी की, जिस बॉडी में ये अभी है। तो हमें इसको कब तक खींच के लेके जाना है, या इवन अगर अभी इसकी बॉडी में कुछ भी तोड़ फोड़ है, जैसे एक कार होती है, जब आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो आप जाके मैकेनिक को दिखवाते हैं कि ये कार में ये प्रॉब्लम, वो कहता है यार छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर ट्विक कर दो तो कार जो है बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा, अच्छी चलेगी। तो अगर इसकी बॉडी में अगर कोई भी अभी तोड़ फोड़ है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है, उसको हम एडजस्ट कर कर अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखेंगे कि इसकी ये जो बॉडी है ये कितने समय तक चल सकती है, तो हमारे पास वो भी रीडिंग आ जाएगी कि हाँ ये एक्स वाई जेड साल तक जो है ये अपनी फिजिकल बॉडी में रहेगी। और इसी फिजिकल बॉडी को रहने के लिए जो सारी चीज़ों को हम मिमिक करेंगे, इसकी सारी जो नर्व्स हैं, वेब्स हैं, इसकी एक एक छोटी छोटी चीज़, यहाँ पर इतना वो डेलिकेट प्रोसीजर होता है, खाली ये नहीं कि हाथ और पैर के वो बन गए, क्या कहलाते हैं आप लोगों के पास होते हैं ना, क्या नाम होता है उनका, अल्लाह पता नहीं मेरे जहन में भी नहीं आ रहा इस वक्त। एनीवेज खाली ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इवन हर चीज़, क्योंकि हमारे पास अगर कोई इंसान जलकर आता है तो उसका चेहरा ऐसा नहीं होता जैसे आपके पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हम बिल्कुल उसको ओरिजिनल फॉर्म में करते हैं, क्योंकि हम मेडिकली टेक्निकली हर चीज़ में आप लोगों से 50 से 75 साल एडवांस हैं, तो हमारी हर चीज़ जो है बहुत डिफरेंट होगी। वो सब चीज़ें यहाँ पर हर तरीके की, उसके बाद यहाँ पर खाली ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है कि ये चीज़ यहाँ पर हुई और बात ख़त्म, नहीं, इन इसको बहुत सारे यहाँ पर इस वक्त रिचुअल्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये मल्टीपल किस्म के रिचुअल्स करेगी, जैसे नहीं होता है आप किसी गैंग का हिस्सा बनते हैं, है ना, गैंग का हिस्सा बनते हैं तो वो कहते हैं ना कि अपनी लॉयल्टी हमें दिखाओ कुछ कर कर, है ना, तो वो आपको कहते हैं कि तुम जाओ फलां को मार दो, या तुम जाओ तो अपने ही घर वाले किसी को मार दो, या तुम जाओ अपने आप अपना हाथ काट लो, या अपना खून निकाल कर ये कर दो या वो कर दो, यानी वो एक होता है ना, तो उस तरीके के मल्टीपल रिचुअल जो हैं वो उस वक्त करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर रहने के लिए फिट ही नहीं है। हमें क्वीन आप लोगों के लिए चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो यहाँ पर यहाँ की जो ये पूरी जो डार्क साइड है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, समझ सके, और यहाँ के हिसाब से ईविल बन सके। तो ये सारी चीज़ें कर कर हम चेक कर रहे होते हैं, हर चीज़ करते वक्त भी हम उसकी ये रीडिंग ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या कहते हैं, आया उसको ये चीज़ खुशी से कर रही है, उसके अंदर क्या टाइप का जज्बा आ रहा है, किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, या वो एवं ही कर रही है क्योंकि वो डरी हुई है। ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होती है, फिर उसके बाद हम उसको फेल करते हैं, फिर करते हैं जब तक कि वो पूरी की पूरी ईवन ना बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर इस स्टेप पर वो फेल हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी इस साइड पर आ चुकी है और अब वो ये सारी चीज़ें देख चुकी है, अगर ये इस चीज़ पे फेल हो जाती है तो फिर बारी आती है उस इंसान के क्लोन की, जो दूसरा एक इंसान होता है, क्लोन 1, 2, 3, 4, 5 एक्स वाई जेड नंबर तक, फिर वो पब्लिक अपेयरेंसेज लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी, ये कभी भी फिर पब्लिक में आएगी नहीं, ये फिर यहाँ पर रहेगी और फिर ये सज़ा के तौर पर रहेगी, फिर इसको कहीं पर उठाकर फेंक कर बंद कर दिया जाएगा, और इसकी जो जो एक क्लोन होगा वो रिप्लेस कर देगा इसको सारी उम्र के लिए, ना इसके बच्चों को पता चलेगा ना किसी को भी पता चलेगा, एक्स वाई जेड को बात ख़त्म। ये हर तरीके की ये अगर फेल हो जाती है यहाँ पर, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेफिनेट अभी कोई चीज़ नहीं बताऊँगी, क्योंकि अभी भी जो सिलसिला है वो जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और भी चीज़ है जो चल रही है, वो एक और बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं है। एक साहब हैं, थॉमस नाम है, जिन्होंने केट मिडिल्टन की बहन को डेट किया था,
ठीक है, बहुत कम से समय के लिए किया था। और अभी रिसेंटली जो केट हैं वो इनके साथ एक अफेयर चला रही थी, ये खुद मैरिड इंसान है, ये खुद मैरिड इंसान थे, ठीक है। तो ये जनवरी के लास्ट वीक के अंदर इनकी ये भी चले गए, ख़त्म हो गए। इनको कैसे ख़त्म किया गया, कहा यह गया कि ये इनको कोई इंजरी हुई सर पर जिसकी वजह से ये चले गए। बाद में जब ये सीन हुआ, चेक किया गया, तो ये निकल कर बात आई कि इनके साइड पर जो थी वो नहीं होती एक जिसमें गोली डाल के चलाई जाती है ना, जो हर पुलिस वगैरह के पास होती है, तो वो उनके साइड से मिली थी। अब उसको एग्जैक्टली उन्होंने वही नैरेटिव दिया है जो सुशांत का ऑफिशियल नैरेटिव है, हालांकि वो ऑफिशियल नैरेटिव नहीं है इसके केस में ये है कि इसको किसी ने किया है, एलिमिनेट किया है, ठीक है। और इसके 2 ही दिन के बाद हार्ट अटैक से यहाँ पर जो विलियम है उसके उनके गॉडफादर की नहीं उनके गॉडफादर की डेथ पहले हो गई थी, लेकिन गॉडफादर की डेथ का वो था बैरियल था उसमें नहीं गए, ये नहीं गए, ठीक है। इसने सारी चीज़ें जो हैं वो रोक दी। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो थॉमस हैं, इन्होंने जिनसे शादी की है, ये जो बुढ़िया है उसकी फर्स्ट कज़न की बेटी है, बुढ़िया क्वीन है और ये लड़की भी प्रिंसेस कहलाती है, ठीक है। तो ये विंजर फैमिली के अंदर ही था, लेकिन केट की सिस्टर को छोड़कर इसने यानी उनकी बनी नहीं, जो भी हुआ इसको डेट किया। और फिर जाहिर सी बात है कि इनकी भी आपस में नहीं बन रही होगी, लोगों की आपस में नहीं बनती है, रिश्ते से बड़े टूटे हुए होते हैं, तो फैमिली ही के अंदर 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 इसको ईजी था, एक्सेस था, तो इसने केट को डेट शुरू कर दिया। केट इसको क्यों डेट कर रही थी, क्योंकि विलियम की जो रिलेशनशिप है केट के साथ, मैंने आज तक बात ही नहीं की है, आप लोगों को पता ही नहीं कि इनकी रिलेशनशिप की क्या रियलिटी है। खैर, जो विलियम साहब भी हैं वो भी एक और लड़की को डेट कर रहे हैं जो रॉयल्टी का हिस्सा है, लेकिन प्रिंसेस नहीं है, वो भी रॉयल्टी का हिस्सा है। इनके ऊपर मैं बाद में करूँगी कि ये कौन है क्या है, ये बहुत बात का टॉपिक है और ये वाकई मैं बाद में ही बात करूँगी, यानी ये मैं मजाक में नहीं कह रही, मैं काफ़ी टाइम के बाद जब मुझे कभी लगेगा हैरी के ऊपर, मैगन के ऊपर जब मैं बात करूँगी तब आगे पीछे मैं बात कर लूँगी। तो ये इन मोहतरमा को डेट कर रहे हैं, डेट नहीं कर रहे यानी, या कर भी रहे हैं यानी, जो भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ चल रही थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये उसको भी डेट जो थी, जो केट थी, वो फिर जाहिर सी बात है कि जब शौहर इधर उधर होगा तो फिर औरत भी जाएगी, ये आप लोगों की देसी औरतों की तरह तो है नहीं कि मर्द जो है वो बेवफाई करता रहे और औरत घर में बैठ के तस्वीर बहाती रहे, रोती रहे। ये लोग फिर अपने भी सारी जो लाइफ है उसको जीती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई लाइफ मिलनी नहीं है दोबारा। तो ये यहाँ पर ये सारा सिलसिला था, मेरे ख्याल से मैंने बात सारी कर दी है, मैं कुछ भूल तो नहीं रही, ये फ़िलहाल ये सारी बात है। हाँ अच्छा, एक और चीज़ है, सॉरी रह गई बताना, वो ये है कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं कि भाई उसकी मेजरमेंट ली जा रही है, टेलर के पास है और ये और वो फलाना ढिमकाना ढिमकाना, उसके साथ साथ इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस के एक्सपेरिमेंट्स भी हम स्टार्ट कर देते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो आपकी सिचुएशन होती है वो इतनी ख़तरनाक और खौफनाक होती है कि आप पब्लिक में ना आ सकते हैं ना रह सकते हैं, हम जैसे लोगों को भी केज में बंद किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के बाद। डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो जिस तरीके का अगर इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या जो भी है, तो ये इस वक्त उस हाल में भी नहीं होंगी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कि वो पब्लिक का सामना भी कर सकें, तो उसमें रिकवर होने में इनको बहुत टाइम भी लगेगा, तो इस वजह से भी ये पब्लिक अपेयरेंसेज नहीं दे सकती, क्योंकि इस वक्त ये इस होंगी नहीं मिजाज में कि एकदम से ये कुछ भी आकर बोल सकती हैं कुछ भी, तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर अगर ये यहाँ पर फेल होती हैं या पास होती हैं, अच्छा हाँ ये तो बात आपको पता चल जाएगी, मैंने इनके क्लोन आ जाएगा, लेकिन थॉमस की बात इस वजह से आई थी, देखा मैं भूली गई इतनी इंपॉर्टेंट बात, इनको मारा गया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ भी निकली, अगर ऐसा कुछ हुआ ये फेल हो गई, तो इसको ख़त्म कर देंगे, इसको रखेंगे नहीं, इसको सज़ा के तौर पर, क्योंकि वही बात है ना, ईशू वो क्या होती है, ईगो वाली बात हो गई है, तो विलियम की तरफ से इसके मुंह पे लाना तो उसने भेज दिया है कि उसको नहीं फ़र्क पड़ता है, तो अब ये रहे नहीं रहे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो वापस आ जाती है वहाँ से पास होके तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये इस पूरे सिलसिले में फेल हो जाती है, तो विलियम की तरफ से ये है कि इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, बात ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उसको नहीं चाहिए, तो वो ये इश्यूज़ हैं। और एक और स्ट्रेंज बात यह है कि जो थॉमस साहब थे उन्होंने सिर्फ अभी विलियम की जो वाइफ हैं उनको ही डेट नहीं कर रहा था, बल्कि विलियम की एक एक्स गर्लफ्रेंड को भी वो पहले डेट कर चुका है, तो वो कहते हैं ना एक इशू था आपस में उनका, तो जब विलियम को मौका मिला तो उसने उसको ख़त्म करवा दिया। अब ख़त्म करवा दिया, अब बीवी की बारी है, और बीवी अगर क्वीन बन जाती है और यहाँ से हमारी तरफ से अप्रूव हो जाता है कि वो तैयार है
वो ईविल है उसी तरीके की, तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसको यहाँ पर रख कर यूज़ नहीं करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे डायरेक्टली। तो जो क्लोन साहब हैं वो रहेंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि ये इवन इस वक्त यहाँ पर डिवोर्स भी जो है वो क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली का जो नाटक है वो दिखाना है, क्राउन के अंदर आने वाला जो किंग होता है, क्वीन होती है, उसकी हैप्पी फैमिली का जो इमेज होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना एक डिवोर्सी फलाना ढिमकाना टाइप का इमेज नहीं आ सकता है। तो चार्ल्स के टाइम पर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, अभी भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके बीच में डिवोर्स अगर होनी होती बहुत पहले हो जाती, लेकिन डिवोर्स हो नहीं सकती। और क्राउन प्रिंसेस की जितनी भी वाइफ्स होती हैं वो बड़े बुरे तरीके से फंसती हैं, और फंसने के बाद वो ऐसी जगह पर आकर हमेशा के लिए फंस जाती हैं हर हालत में। तो फ़र्क ही होगा, ये थोड़ी लकी रहेंगी अगर ये यहाँ पर फेल होती हैं, तो ये सारी उम्र यहाँ पर स्पेंड नहीं करेंगी, इनको निकाल दिया जाएगा, इनको भेज दिया जाएगा दुनिया से ख़त्म, यानी ये चली जाएंगी ऊपर, बात ख़त्म। तो ये वीडियो थी, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।